जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर के अंतर्गत जो पिछला वीडियो में शुरुआत कर दिए थे उसी में आगे पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव। तो दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है हमने कुछ थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में देखा था, इसलिए आप पिछला वीडियो देखें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है, तो उसमें कुछ टर्मोलॉजी आएंगे। जैसे में कर्ता, तो कर्ता होता है वास्तव में पुरुष होते हैं। पुरुष मतलब या तो एक व्यक्ति काम कर रहा हो या बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं दोस्त। तो कर्ता के अनुसार ही जो कर्ता हम प्रयोग करते हैं वाक्य में दोस्त, तो उसी के अनुसार ही जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया में यस या ईस जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, वह कर्ता पर ही निर्भर करता है दोस्त। जो कर्ता होता है दोस्तों, जो कर्ता होती है जिसको अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यह कुछ और नहीं होता दोस्त, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है दोस्त। नाउन या प्रोनाउन होता है या कोई उपवाक्य होती है। उपवाक्य मतलब एक छोटा सा वाक्य रहेगा दोस्त जो कर्ता का काम करेगा, जो नाउन प्रोनाउन से ही बना हुआ होगा लगभग। तो दोस्त, जो नाउन प्रोनाउन होता है इन्हीं के पर्सन होते हैं, मतलब पुरुष। तो इसलिए चूंकि क्योंकि नियम के तहत जब नियम हम पढ़ रहे हैं उसमें कर्ता, पर्सन, नंबर सब प्रयोग किए जाएंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सन क्या होता है, पुरुष क्या होता है, फिर लिंग क्या होता है यानी नंबर क्या होता है, तो इसे हम देखते हैं, और डिग्री क्या होती है दोस्त, तब हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि डिग्री किसी भी विशेषण की डिग्री होती है, तो डिग्री इसे अवस्था बोलते हैं, नंबर इसे हम वचन बोलते हैं, और पुरुष इसे हम पर्सन बोलते हैं। ये सब जानना बहुत जरूरी है दोस्त, तो इसे हम देख लेते हैं पहले। दोस्तों आइए इस बात को हम पता करते हैं, जो पर्सन होता है उसे हिंदी में हम लोग पुरुष बोलते हैं। दोस्तों पुरुष का मतलब ये हुआ कि एक है कोई काम करने वाला या कोई व्यक्ति या कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम की अधिक है। हिंदी और संस्कृत में तो तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन यहाँ पे हम वचन नहीं पढ़ते हैं, माफ कीजिए, यहाँ पे हम लोग पुरुष पढ़ रहे हैं। तो पुरुष में तीन तरह के पुरुष होते हैं अगर हिंदी में बात करें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इंग्लिश में बात करें तो प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोस्तों। तो पर्सन जो होता है एक कैटेगरी को डिवाइड करता है, वर्गीकरण करता है दोस्तों। दोस्तों आइए देखते हैं, जब हम या मैं स्वयं के लिए बात करते हो और स्वयं के लिए प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे में दोस्त, आई है मैं, वी है मी है, माई है माइन है, अस है आवर है, ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं दोस्त, प्रथम पुरुष में आते हैं। अब इसमें से कोई करता है, कोई कर्म है और कोई संबंधवाचक शब्द है, लेकिन जो भी है सभी जो है स्वयं, जो वक्ता होता है उसी संदर्भ से जुड़ा हुआ है। मतलब यदि हम पढ़ा रहे हैं आपको, मैं वक्ता हूं, तो ये सब मेरे लिए, या अगर समूह में पढ़ा रहे हैं कई लोग हैं
तो उसके लिए प्रयोग हम करते हैं। मतलब कहने का, प्रथम पुरुष में वह शब्द आते हैं, वह पुरुष आते हैं जो वक्ता के संदर्भ में होते हैं दोस्त। उसमें से कौन हो जाएगा? आई, वी, मी, माई, माइन, अस और इत्यादि क्या होते हैं? ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और ये तो हमारे बारे में हो गया दोस्त, मेरे बारे में हो गया। जब मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा, सामने वाले के बारे में बात करूंगा, तो वह सेकेंड पर्सन, मैं प्रथम पुरुष में आ गया, हमसे जुड़ी हुई बातें प्रथम पुरुष में आ गई, मैं प्रथम पर्सन हूं। और सामने वाला जो है तुम, सेकेंड पर्सन में आता है, मध्यम पुरुष में आता है। उसमें क्या आता है दोस्त? तो उसमें यू आता है, योर आता है, योर्स आता है, ये सब उसमें आते हैं दोस्तों। ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये संबंधवाचक हो गया दोस्त, सॉरी, हाँ, ये संबंधवाचक भी है और कर्म भी है दोस्त। तो ये संबंधवाचक है, कर्म तुम्हारा यही है, कर्ता और कर्म वही तुम्हारा है, यू। तो आइए देखते हैं ये सेकंड पुरुष में हो गया दोस्त, यू, योर और योर्स, और मेरे और आपके अलावा, वक्ता और सुनने वाले के अलावा, मतलब इन सब के अलावा जो होता है दोस्त, वह थर्ड पर्सन में आता है। उसमें सभी आ जाते हैं, चाहे उसमें ही हो, यस या ची सी हो, दे हो, देयर हो, हीज हो, हीम हो, हर हो, देम हो, ये सब आ जाएंगे दोस्त। राम, श्याम, क्योंकि राम श्याम मैं और आप तो है नहीं, कोई थर्ड व्यक्ति है, इसलिए राम श्याम, सीता गीता जितने भी आएंगे, सभी इन दोनों के अलावा, इन कैटेगरी में आप याद कर लें, इनके अलावा जो भी आएंगे वह थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष में होंगे दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण था इसलिए हमने लिखाया। तो आइए हम देखते हैं आगे नंबर के रूप में वचन क्या होता है। नंबर को हम हिंदी में वचन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो करता है वह कितना है, मतलब एक है या एक से अधिक है दोस्त। तो नंबर इन वचन के विषय में हिंदी में बात करेंगे दोस्त। हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, एक, दो या दो से अधिक दो। लेकिन अंग्रेजी में केवल दो ही होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नाम से ही इंडिकेट हो रहा है एक वचन, मतलब कर्ता कैसा हो, एक हो, कोई एक हो, उसे हम एक वचन बोलते हैं। जैसे में राम, श्याम, ही, से, एट, ये सब एक वचन में आते हैं दोस्तों, देवा ध्यान दीजिएगा। और प्लूरल नंबर में कौन आता है? प्लूरल नंबर में दे आ जाएगा, यू आ जाएगा, वी आ जाएगा, जिससे एक से अधिक का बोध होता है दोस्त, उसे हम बोलते हैं प्लूरल नंबर दोस्त। एकवचन में आई भी आ जाता है, तो बात ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ये हमने देखा। ये सब प्रयोग किए जाएंगे, आप इसे दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वहां सेंटेंस टेंस बनाने में इसका उपयोग होगा दोस्त। तो दोस्तों अब बचा डिग्री। तो डिग्री का मतलब होता है अवस्था, अवस्था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम टेंस बनाना सीखते हैं, वो बाद में आएगा, उसका आवश्यकता पड़ेगा, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे दोस्त। तो हमने केवल पर्सन और नंबर पढ़ लिया, इतने काफी है उसको। आइए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस ऐसा ही बनता है, पहले कर्ता होता है, तब क्रिया होता है, तब अदर या ऑब्जेक्ट होता है दोस्त। वैसे ऑब्जेक्ट होगा यदि है तो अदर होगा। जैसे में हमने कहा था दोस्त, इसमें नियम है, जब कर्ता कैसा हो, मैं कल ही कहा था कि जो क्रिया में यस है, यस है, वो कर्ता के अनुसार होगा। जो भी बदला होगा क्रिया के अंतर्गत, सहायक क्रिया का बदला होगा दोस्त, वो केवल केवल कर्ता के हिसाब से ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कर्ता क्या है। कर्ता जो है
अगर सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है, एक वचन का करता है, तो हम क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। कहां ईएस कहां एस होगा ये धीरे धीरे हम सीख लेंगे, उतना अभी हमको नहीं जाना, बस जान जाइए कि यस और ईएस लगा देते हैं। और जो कर्ता बहुवचन का होता है उसके साथ क्रिया में कुछ नहीं लिखते, केवल फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं क्रिया का। देखिए कैसे, जैसे में वह आम खाता है, तो यह कर्ता क्या है दोस्त, जो क्रिया करेगा वही करता है, तो ही हो गया वह का मतलब, क्यों पुरुष है तो ही लगेगा, कर्ता तो हो गया। अब क्रिया लिखा जाएगा, क्रिया खाना है, तो ई ए इट, इट इट मैंने खाना होता है। आप बताइए कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, तभी हमने बताया कि यह क्या है, एक वचन में आता है, अभी हमने देखा पीछे पढ़ करके, हे से इट्स सब एक वचन में, इसे एक का बोध हो रहा है दोस्त, तो क्रिया में यस जुड़ेगा, इट्स हो गया। अब तब कर्म होगा दोस्त, अब कर्म इसमें क्या है, आम, मैंने कहा क्रिया जो हो रहा है उस प्रभाव कहां पड़ रहा है, वह खा रहा है, कर्ता ने काम कर रहा है खाने का, लेकिन क्या किसको खा रहे हैं लोग, तो हमने कल कहा था कि क्रिया के साथ कौन शब्द जोड़ दीजिए, जो उत्तर मिलेगा वो कर्ता होगा, मतलब कौन खाता है तो वह खाता है। वैसे ही कर्म कैसे खोजेंगे आप, ठीक है, बात करिएगा, क्या लगा दीजिएगा या कौन सा लगा दीजिएगा, तो जब क्या लगाएंगे क्रिया के साथ, तो क्या खाता है, तो फल हमको क्या मिलेगा वो जवाब वाक्य से, तो मिलेगा आम खाता है, तो आम कर्म हो गया दोस्त। मतलब जब कर्ता कोई क्रिया करता है और उस कर्ता का क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही हमारा कर्म होता है दोस्त। तो इट्स हो गया, इट्स क्या, मैंगो दोस्त, तो ये आपका हो गया। तो दोस्त आगे आप स्वयं करिए, अभ्यास करिए, अपने आप को चेक करिए क्या है। जैसे मैं एक और वाक्य देता हूं, मैं आम खाता हूं, तो इसे क्या होगा दोस्त, तो ध्यान दीजिए ग्रामर में कहीं कहीं थोड़ा अपवाद आता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आम खाता हूं दोस्त, इसे क्या हो जाएगा, तो यहां कर्ता तो आई हो गया। आप कहेंगे सर तो सिंगुलर नंबर में आता है आई, हाँ आता है, इसको एकवचन ही कहते हैं, लेकिन आई के साथ क्रिया में एस आई एस नहीं जुड़ता है, अपवाद है दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा, अपवाद रट लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा आई ईट केवल, आई ईट मैंगो दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा, आई एक वचन का होते हुए भी क्रिया में यस यस नहीं जुड़ता, ये अपवाद है। तो आप विद्वत इस पार्टी वाले को समझ गए, अभ्यास करिएगा, हम लोग कंटिन्यूअस अगले दिन पढ़ेंगे, सॉरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सर अगले दिन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अभी हम लोग प्रेजेंट के सभी धीमे धीमे पढ़ेंगे कि विधवत हम समझ में आ जाए, क्योंकि आगे इन्हीं का उपयोग है, समझ में यही नहीं आएगा तो आगे समझ में कैसे आएगा दोस्त। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।